नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम दुर्गा पूजा पर निबंध लिखने जा रहे हैं। हम आसान सा निबंध लिखेंगे दुर्गा पूजा पर, और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वह है दुर्गा पूजा, और हम लिखने जा रहे हैं निबंध। अगर आपको कुछ लाइंस लिखने को दी जाती हैं तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप इस तरीके से लिखेंगे, भारत में त्योहारों का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक महत्व है। यहाँ मनाए जाने वाले सभी त्यौहार मानवीय गुणों को स्थापित कर लोगों में प्रेम, एकता व सद्भावना को बढ़ाने का संदेश देते हैं। दरअसल ये त्यौहार ही हैं जो परिवारों और समाज को जोड़ते हैं। दुर्गा पूजा भी भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार को दुर्गोत्सव या छठोत्सव भी कहते हैं। हर वर्ष पतझड़ की ऋतु में यह त्यौहार आता है। ये हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है, अतः वे इसे धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी लोग इस अवसर पर खुश होते हैं क्योंकि ऑफिस और विद्यालयों में अवकाश रहता है और सभी मिलजुल कर एक साथ इस उत्सव को मना सकते हैं। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदुओं का विशेष व काफ़ी बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये बंगालियों का खास त्यौहार है। इसकी तैयारियां करीब एक महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। जिस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके 10 दिनों के बाद उसे विसर्जित करते हैं, वैसे ही दुर्गा माता के मूर्ति को भी विसर्जित किया जाता है। दुर्गा पूजा को बहुत नामों से जाना जाता है। दुर्गा माता शक्ति की देवी होती है। दुर्गा माँ मेनका और हिमालय की पुत्री थी। वह सती का अवतार थी। दुर्गा पूजा को पहली बार तब किया गया था जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए दुर्गा माँ से शक्ति पाने के लिए पूजा की थी। इस दिन लोगों द्वारा दुर्गा देवी की पूरे 9 दिन तक पूजा की जाती है। उत्सव की समाप्ति पर दुर्गा माँ की मूर्ति को नदियों में अथवा अन्य किसी जल स्रोत में ले जाकर विसर्जन किया जाता है। कई लोग इस त्यौहार पर 9 दिवस का व्रत रखते हैं और कई लोग केवल सिर्फ पहले और अंतिम दिवस व्रत रखते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि इस व्रत से उन्हें माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद मिलेगा। दुर्गा पूजा में पंडाल लगाकर दुर्गा माँ की मूर्ति रखी जाती है और माता का श्रृंगार करते हैं। इस उपलक्ष्य में विभिन्न पंडालों को देखकर उनमें से जो सबसे अच्छा, रचनात्मक, सजावटी और आकर्षक पंडाल होता है उसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन पंडालों की भव्य छटा कोलकाता में और सारे पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के दौरान दिखाई देती है। दुर्गा पूजा के लिए बनाए गए इन पंडालों में दुर्गा माँ की मूर्ति महिषासुर को मारते हुए बनवाई जाती है और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनवाकर दुर्गा माँ के साथ विराजित किया जाता है।
वे त्रिशूल पकड़े होती हैं और उनके चरणों में महिषासुर गिरा होता है। इस पूरी झांकी को वहां चाला कहते हैं। माता के पीछे की तरफ उनके वाहन शेर की मूर्ति होती है, दाई तरफ सरस्वती और कार्तिकेय व बाई तरफ लक्ष्मी जी गणेश जी होते हैं। छाल पर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर भी बनी होती है। इस मौके पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। सभी लोग इस विशेष उत्सव पर पारंपरिक वेशभूषाएं पहनते हैं। कहा जाता है कि राजा महाराजा तो इस पूजा को बहुत ही बड़े स्तर पर किया करते थे। दुर्गा पूजा की कथाएं। नवरात्रियों में देवी दुर्गा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि देवी दुर्गा ने 10 दिन और रात तक युद्ध करने के बाद महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था। दुर्गा पूजा को असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाया जाता है। जब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तब उत्तरी भारत में नवरात्र मनाए जाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस समय रामलीला की जाती है। दुर्गा पूजा की सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले देवता और असुर स्वर्ग पाने के लिए लड़ते रहते थे। देवता हर बार असुरों को किसी न किसी तरीके से पराजित कर देते थे। एक दिन एक राक्षस जिसका नाम महिषासुर था, उसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान देने को कहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान नहीं दिया और कहा कि वे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन ये वर देता हूँ कि तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार सकता, केवल स्त्री ही मार सकती है। अब महिषासुर इस वरदान से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मुझे कोई स्त्री क्या हरा पाएगी। इसके बाद सारे असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, वे महिषासुर को नहीं मार सकते थे, अतः अपनी व्यथा लेकर त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों से शक्ति की देवी दुर्गा को जन्म दिया और महिषासुर का वध करने को कहा। माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध हुआ और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ दुर्गा ने इस पापी महिषासुर का वध कर दिया। उसी दिन से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार और शक्ति की पूजा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का महत्व। त्योहार जीवन में विश्रृंखलता को दूर कर एक सूत्रता स्थापित करते हुए मंगल भावना का प्रसार करते हैं। यह माना जाता है कि दुर्गा माँ की पूजा करने से समृद्धि, आनंद, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। उपसंहार। हमें पूर्ण निष्ठा और पवित्र भावना रखकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विजयादशमी का त्योहार आत्मशुद्धि का त्योहार है। दुर्गा पूजा के दिन शक्ति पाने की कामना की जाती है ताकि बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश हो जाए। जैसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से मिलकर सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा बनी और उन्होंने बुराई का अंत किया, उसी तरह हमें भी अपनी बुराइयाँ खोजकर उनका अंत करना चाहिए और मानवता की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जिससे हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए
कभी भी उनकी पूजा स्तुति की जा सकती है, पर नवरात्रि में इस पूजा की विशेष महत्ता है। हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई सामाजिक कारण होता है। दुर्गा पूजा भी अन्याय, अत्याचार तथा असुरी शक्तियों के विनाश के लिए मनाते हैं। तो दोस्तों, यह था नवरात्रि दुर्गा पूजा के बारे में सब कुछ। हमने यहाँ पे कोशिश की क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और कैसे शुरुआत हुई इसकी और क्या किया जाता है इस दिन, ये सब कुछ हमने इस निबंध में शामिल करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।